दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम ने श्रीलंका को बुरी तरह से रौंद कर 2-0 से वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रोहित शर्मा की नजर लंका को क्लीन स्वीप करने पर है। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तीसरे वनडे मैच में रोहित ने टीम में एक साथ कई बड़े बदलाव कर दिए और दो सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अपने चहेते ऐसे सितारे को मौका दिया है जिनके इस नाम सुनकर भी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो आखिरकार तीसरे वनडे के लिए क्या रोहित शर्मा का मास्टर प्लान है और उन्होंने क्या क्या बदलाव किए हैं, साथ ही साथ पूरी प्लेइंग 11 आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित, विराट और हार्दिक में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों T20 के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में हिंदुस्तान ने श्रीलंका को कुचल कर रख दिया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने अपने होनहार खिलाड़ियों के बदौलत 2-0 से शानदार जीत हासिल करके पहले वनडे में रोहित कोहली के साथ उमरान मलिक जीत के हीरो बने थे। तो वहीं दूसरे वनडे में केएल राहुल ने वापसी का शंखनाद किया, तो वहीं पे कुलदीप यादव के साथ मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक फिर से सबसे बड़े मैच विनर बन के उभरे। दोस्तों श्रीलंका अब चुप नहीं बैठने वाली है, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसे में तिरुवनंतपुरम में होने वाला तीसरा वनडे मैच सबसे ज्यादा रोमांचक होगा। लेकिन रोहित शर्मा भी लंका को रौंदने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं और उन्होंने कई दिन पहले ही तीसरे वनडे के लिए भारत की बहुत ही खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना साथी बदल लिया है। आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रचने वाले युवा धाकड़ खिलाड़ी ईशान किशन को उन्होंने तीसरे वनडे की प्लेइंग 11 में मौका दिया है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि शुभमन गिल कोई शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे और इसी वजह से उन्हें टीम से अपनी जगह गंवानी पड़ी। तो वहीं दोस्तों इनका साथ निभाने के लिए रोहित शर्मा अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी विराट कोहली पर भरोसा जता रहे हैं। हालांकि विराट कोहली ने पिछले मैच में सभी को निराश किया था, लेकिन एक खराब मैच से इस खिलाड़ी का रुतबा बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो वहीं दोस्तों मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा ने खराब फॉर्म का सामना कर रहे श्रेयस अय्यर को भी टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि खराब फॉर्म कहना इस खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी होगी, लेकिन पिछले 2 मैचों में अय्यर की परफॉर्मेंस औसत से भी कम रही है। अब ऐसे में जब आपके पास T20 का नंबर 1 बल्लेबाज हो तो क्यों ना उसे मौका दिया जाए। और रोहित शर्मा ने नंबर 4 के पायदान पर सूर्य कुमार यादव को वनडे की प्लेइंग 11 में मौका देकर उनके साथ इंसाफ कर दिया है। उनका साथ निभाते हुए हमें देखने वाले हैं केएल राहुल, जिन्होंने पिछले मैच में ही सबसे अहम पारी खेली थी। ऐसे में इस खिलाड़ी ने अब अपनी जगह को लगभग निश्चित ही बना लिया है और रोहित भी उन्हें उस पायदान से नहीं हटाना चाहते हैं। दोस्तों ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को सौंपी है, जिनका साथ निभाते हुए हमें अक्षर पटेल दिखने वाले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं पर रोहित शर्मा ने दोबारा से कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और इस खिलाड़ी ने सच में सभी का दिल जीत लिया है। तो वहीं पेस अटैक की जिम्मेदारी रोहित ने सौंपी है मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक की तिकड़ी पर, और इन दोनों ने अब तक सीरीज में बहुत ही आकर्षक प्रदर्शन किया है। अब ऐसे में रोहित शर्मा गेंदबाजी आक्रमण में कोई बदलाव नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों रोहित शर्मा की ये प्लेइंग 11 सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन के साथ बेहतरीन खतरनाक हो गई है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया में और कौन से बदलाव होने चाहिए, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।